देखते रहें ब्रज लाइव टीवी चैनल। यह राधा रानी का बैर बरसाना का मंदिर है, जहां पर सेवा को लेकर पिछले एक गुट के पुजारी जहां मंदिर के फटकों को बंद कर देते हैं, वहीं दूसरे गुट के पुजारी मंदिर को हथियाना चाहते हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे उस हकीकत से कि आखिर क्या कारण है कि बरसाना के राधा रानी मंदिर में सेवायत पुजारी आपस में लड़ाई करके सेवा को हथियाना चाहते हैं। दरअसल यह मामला सेवा का नहीं, मामला है मंदिर पर आने वाले चढ़ावे का। हर रोज हजारों की संख्या में लोग बरसाना के राधा रानी मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। इस दौरान वे अपना चढ़ावा भी राधा रानी मंदिर में चढ़ाते हैं। राधा रानी को अर्पित की हुई चढ़ावे की वस्तुओं पर अधिकार होता है पुजारियों का, और यही कारण है कि ये पुजारी आपस में लड़ रहे हैं। आखिरकार कौन होगा इस मंदिर की विरासत का अधिकारी, यह अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। जनता की भावनाओं के साथ खुलेआम किया जा रहा खिलवाड़। हमारे फोन को छीन के ले गए सारे फोन को, और मुझे पकड़ के काफी देर तक बंद करके रखा है, क्योंकि मैंने घंटा बजाया था। घंटा बजाने से काम की प्रॉब्लम आ जाती है, इनसे पहले कहिए जब तक जो गलत है वो गलत रहेगा। जो मेरा उड़ गया लेकिन जाके पिजामा में मार दा, गोली मार दा, जो सीधा तरीका उस चीज से तरीके से हम पूरा काम हाथ जोड़ के पीछे का पूरा काम कर रहे हैं। रिश्वत करने आए तो सच दे रहे हैं। हम जो कह रहे हैं हाथ जोड़ के मेरा पांच काम जो कहते हैं कि ज्यादा ना है, जो मालिक नहीं रहा है, ताले हम भाई थोड़े लिखे ताले इसको दे, आदेश भी नहीं दे रहे, जबरदस्ती गुजार रहे हैं, जबरदस्ती बैठ रहे हैं। एसडीएम साहब ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेडीज के सामने गाली गलौज दे रहे हो, ये कह रहे हैं कि सारे तुमने चूड़ियां पहन रखी, इनको बाहर फेंको, मारो मारो फेंको। दूसरी पार्टी का इतना सपोर्ट कर रहे हैं एसडीएम साहब, और हमको मार रहे हैं पीट रहे हैं, सबके फोन छीन के ले रहे हैं। देखो जान माल के खतरे का अगर कोई समस्या होती है तो इसकी जिम्मेदारी एसडीएम साहब और एसओ बरसाना की होगी। कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर से। तो आपको यहाँ आए हुए कितनी देर हो गई? एक घंटा हो चुका है। एक घंटा हो गया आपको दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए। तो आपको कोई परेशानी हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो एसडीएम साहब तक से मिल के आ गए हैं, अंदर बैठे हैं नीचे एसडीएम साहब, एसडीएम सब बैठे हैं। क्या बोले एसडीएम साहब? अभी हो रहे हैं 5 मिनट दर्शन, आए हुए भी आधा घंटा हो गया, कोई दर्शन नहीं हो रहे, मंदिर नहीं खुल रहा, आपस की बकौती है इनकी, ये भी झगड़ा है, मतलब हिंदू छिनी है, बोल दे रहा ये तो बिल्कुल ही, मतलब सरासर इन्होंने मतलब बना दी हिंदू धर्म के एक वो बना ली है कि मतलब दुकानदारी बना ली है, और दुकानदारी बना रहे हैं, दुकानदारी करना भी हो रही है, मंदिर पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई इनका अपना घर तो है नहीं, जब मन किया बंद कर दिया, जब मन किया खोल दिया, कम से कम चलने तो देते, दूर से आए हुए आधे घंटे हो गए खड़े खड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश है। कहाँ से आए हो आप? मैं जौनपुर से आया हूँ। कितनी देर हो गई आपको मंदिर में आए हुए? आधे घंटे हो गए आए। मैं कैसे दे दी पैसे तुम मार जाओ ले जाओ सेवा, मैं जितने जितने ना दे सकूँ।